डी एफ ए प्रॉब्लम नंबर 19. कंस्ट्रक्ट मिनिमल डी एफ ए वेयर डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए बी सी एंड विच एक्सेप्ट स्ट्रिंग्स ए पावर एन बी पावर एम सी पावर एल सच दैट एन एम एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. इसमें और लास्ट प्रॉब्लम में डिफरेंस क्या है कि जो एन एम एल है उनकी वैल्यूज जो हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिए, लास्ट प्रॉब्लम में वन थी. सी डिफरेंस क्या है, इसे हम लैंग्वेज से थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं क्या है. सी अगर तीनों यहाँ पर जीरो का मतलब क्या है कि जो पावर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, अगर ए पावर बी पावर सी पावर तीनों की पावर जीरो रखेंगे तो क्या आएगा, वन. ठीक है, तो वन का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज में अगर वन आता है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, जीरो मतलब एप्सिलॉन. कि ए बी सी में से कुछ भी नहीं है, सिंबल्स तो हम वन यूज नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर क्या हुआ, जीरो वैल्यू आएगी. जीरो वैल्यू का मतलब क्या है, एप्सिलॉन. ठीक है, तो इस लैंग्वेज में एप्सिलॉन भी इंक्लूड होगा. फर्दर देखिए, अगर बी और सी की वैल्यू दोनों की वैल्यू में पावर में जीरो कर दें तो ए की पावर वन हो सकती है, फर्दर हम इंक्रीज कर सकते हैं, तो उनको हमने इस तरह से लिया है ए ए ए ए ए ए, इस तरह से हम इनकी पावर्स को इंक्रीज कर सकते हैं. इसी तरह से अगर ए और सी की पावर को जीरो कर देंगे तो बी की वैल्यूज इंक्रीज होगी, बी 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 सोन. इसी तरह से सी की पावर्स को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो इस तरह से बनेगी स्ट्रिंग्स. अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, तीनों की पावर को हम धीरे धीरे इंक्रीज करें, जैसे कि ए बी हो सकता है, ए बी सी हो सकता है, अगर किसी दो की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे तो इस तरह से चलेंगे, अगर तीनों की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो इस तरह से स्ट्रिंग बनेगी. ठीक है, ओके. इसके लिए अब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं. मेन चीज क्या है, हमें कंडीशन क्या रखनी है कि कभी भी ए के बाद बी ही आना चाहिए, सी या ए नहीं आ सकता. ठीक है, बी के बाद सी आना चाहिए, ए नहीं आ सकता. ठीक है, तो जो सीक्वेंस है वो यही होना चाहिए, ए बी सी, या तो सिर्फ ए हो या फिर बी हो या फिर सी हो, सी के बाद अगेन ए नहीं होना चाहिए. ठीक है, ओके. इसके लिए कंस्ट्रक्ट करते हैं. इनिशियली कैपिटल ए, क्योंकि हमें एप्सिलॉन को एक्सेप्ट कराना है तो हम इनिशियल स्टेट को ही फाइनल स्टेट बना देंगे. ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर इनिशियली ए एनकाउंटर होता है, इनिशियली ए एनकाउंटर होता है तो उसको भी हम एक्सेप्ट करा सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल ए टू कैपिटल ए लूप बना देंगे. अब यहाँ पर लूप का मतलब क्या है कि कितने भी नंबर्स ऑफ ए आते रहें वो यहाँ एक्सेप्ट होते रहेंगे. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगर बी एनकाउंटर होता है इनिशियली तो कैपिटल ए टू कैपिटल बी ट्रांजिशन रहेगी, और उसको भी हम एक्सेप्ट कराएंगे क्योंकि सिर्फ एक बी को भी हम एक्सेप्ट करा सकते हैं. ठीक है, फर्दर अगर बी की पावर्स अगर इंक्रीज करते रहें, जैसे कि हमने स्ट्रिंग्स में देखा, तो अगर बी नंबर बढ़ते रहें तो उन्हें भी हम एक्सेप्ट करा सकते हैं इनिशियली. तो अगर कैपिटल बी पर, कैपिटल बी पर हम कैसे पहुंचे, जब एक बी आया है, अब हम कह रहे हैं और बी आते रहें तो उनको भी एक्सेप्ट करा सकते हैं. तो कितने भी नंबर्स ऑफ बी आते रहें, कैपिटल बी टू कैपिटल बी ट्रांजिशन रहेगी और ये सभी एक्सेप्ट होते रहेंगे. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर सी एनकाउंटर होता है, सी कैसे एनकाउंटर हो रहा है, जब बी के बाद सी आ रहा है. ठीक है, या तो बी के बाद सी आ रहा है तभी. ठीक है, तो बी के बाद सी इज अ करेक्ट सीक्वेंस, तो इसको हम एक्सेप्ट करा सकते हैं, तो सी इज अ फाइनल स्टेट. ठीक है, अब फर्दर अगर सी आते रहे, सी आते रहे मतलब क्या है कि एक बी आया, फिर बहुत सारे बी आ सकते हैं, फिर सी आ रहे हैं, तो उनको भी हम एक्सेप्ट करा सकते हैं. तो इन केस ऑफ सी यहाँ पर भी सी टू सी लूप चलेगा, आप कितने भी नंबर ऑफ सी आते रहे उनको हम एक्सेप्ट कराएंगे. ठीक है, अभी ये कंप्लीट डी एफ ए नहीं, वन बाय वन हम स्टेट कंप्लीट करते हैं. फर्स्ट स्टेट देखिए कि फर्स्ट स्टेट में हमने ए का केस दिखाया है, बी का केस दिखाया है, सी के केस में क्या होगा. सी का केस मतलब क्या हुआ कि इनिशियली सी आ रहा है, इनिशियली सी आने का मतलब क्या है, जो सिर्फ सी वाले स्ट्रिंग है उनको भी हमें एक्सेप्ट कराना है. बट यहाँ पर हम कहाँ एक्सेप्ट कराएंगे, हम क्या करेंगे, कैपिटल ए टू कैपिटल सी पर ट्रांजिशन दिखा देंगे, और यहाँ पर ऑलरेडी फाइनल स्टेट है. ठीक है, कितने भी नंबर ऑफ सी आते रहे वो एक्सेप्ट हो जाएंगे. सो इन केस ऑफ सी, कैपिटल ए टू कैपिटल सी ट्रांजिशन है. ठीक है, कैपिटल ए स्टेट कंप्लीट हो गई है, कैपिटल बी पर चलते हैं. कैपिटल बी पर हमने बी का केस दिखा दिया है, सी का दिखा दिया है. इन केस ऑफ ए, यहां पर ए आने का मतलब क्या है कि एक बी आ चुका है,
फिर उसके बाद ए आ रहा है, बट ये करेक्ट सीक्वेंस नहीं है, हमेशा ए बी सी सीक्वेंस रहना चाहिए और ये बी ए बन रहा है, तो इसको हमें रिजेक्ट कराना है, तो हम डिफरेंट स्टेट पर भेज देंगे इन केस ऑफ ए कैपिटल बी टू कैपिटल डी, और इसको फाइनल स्टेट नहीं बनाएंगे क्योंकि ये रिजेक्ट कराना है, ठीक है। अब बी ए फर्स्ट टू पोजिशन पर आ चुके हैं, थर्ड फोर्थ पोजिशन पर कुछ भी आए उन सभी को हम रिजेक्ट कराएंगे, तो इसके लिए हम कैपिटल डी टू कैपिटल डी लूप दिखाएंगे। जब भी बी ए के बाद, मतलब क्या, फर्स्ट पोजीशन पर बी है, सेकंड पे ए है, उसके बाद जो पोजीशन है उस पे ए बी सी कुछ भी आए उन सभी को हम रिजेक्ट कराएंगे, उन सभी स्ट्रिंग्स को रिजेक्ट कराएंगे, ठीक है। कैपिटल बी कंप्लीट हो गया, कैपिटल सी पर चलते हैं। कैपिटल सी में हमने सी का केस दिखाया हुआ है, ए और बी का दिखाना है। यहां पर ए और बी आने का मतलब क्या है, कैसे पहुंचे हम, पहले बी देन सी, अब हम कह रहे हैं यहाँ पर ए या बी आ जाए, वो भी करेक्ट सीक्वेंस नहीं है क्योंकि ये उल्टा सीक्वेंस है। हमने बोला है कि ए बी सी करेक्ट सीक्वेंस है, यहाँ पर बी सी के बाद ए या बी आए वो करेक्ट नहीं है, तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, एक डेड स्टेट पर ट्रांजिशन दिखाएंगे। डेड स्टेट हमारे पास ऑलरेडी है, तो ट्रांजिशन विल बी कैपिटल सी टू कैपिटल डी इन केस ऑफ ए बी, ठीक है। ये कंप्लीट डी एफ ए, ओके।